हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी स्वदेशी किचन। और मैं हूँ प्रियंका और आज हम बनाएंगे सांभर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप तूर दाल लिया है, या आप इसे अरहर का दाल भी बोलिए। और इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर इसे 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। और उसके बाद इसे प्रेशर कुकर में डालकर इसे उबालना है। तो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब इसे में पानी डालना है आपको। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, इसमें पानी का कोई ये नहीं है कि कितना डालना है, अपने हिसाब से पानी आपको डाल देना है। और इसके बाद इसमें नमक डाल देना है, नमक भी अपने स्वाद अनुसार आपको ले लेना है। उसके बाद प्रेशर कुकर को लगा देंगे और इसे सीटी लगने देते हैं। और जब तक ये पक रहा है तब तक हम आगे की प्रोसेस को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच से तेल ले लिया है। उसके बाद 1 चम्मच से सरसों डालेंगे। आप राई भी यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सरसों का यूज किया है। और जब सरसों हमारा फटफट आने लगे तब इसमें हम मिर्ची डाल देंगे, सूखा हुआ मिर्ची डाल देंगे इसमें। और 2-3 मिर्ची लिया है मैंने। और उसके बाद कड़ी पत्ता भी डाल देंगे साथ में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया है और इसे भी डाल देना है। और हल्के से प्याज को भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है आपको। तो सब्ज़ी में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भिंडी ले लिया है, थोड़ा सा गोभी ले लिया, थोड़ा सा लौकी ले लिया है, थोड़ा सा बैंगन ले लिया है। और सबसे पहले गोभी को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद गोभी जब हल्का सा फ्राई हो जाए तो सारे सब्ज़ी को भी साथ में डाल देंगे। और आप अपनी पसंद की सब्ज़ी ले सकते हो, कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। और कई लोग करते क्या हैं कि सब्ज़ी को एक ही दा सबको प्रेशर कुकर में डाल देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सब्ज़ी को फ्राई हल्का सा करना चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी को हल्का सा फ्राई करने से सब्ज़ी की टेस्ट अलग आएगी, सांभर की टेस्ट अलग आएगी और कच्चापन निकल जाएगा इसका। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अगर आप लोग को पसंद आए तो आप भी ऐसे ही बनाना। उसके बाद इसे ढक के पकाएंगे। ढक ढक के इसलिए पकाएंगे क्योंकि सब्ज़ी जो है जल्दी पक जाएगी। और गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। तो फिर से एक बार ढक लेते हैं, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये हल्की सी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम टमाटर को डाल देंगे। 1 टमाटर लिया है मैंने, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और टमाटर को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और साथ में नमक भी डाल देंगे। नमक अपने हिसाब से लेना है आपको, और हल्का सा नमक डालना है क्योंकि दाल में भी नमक है। तो जितनी सब्जी है उसी के अनुसार आपको नमक डाल लेना है। और इसे मिक्स कर देंगे। और इसे ढक के पकाएंगे। तो चेक कर लेते हैं। अब इसमें हम सारे मसालों को डालेंगे। मसाले में मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च लिया है 1 चम्मच, और 2 चम्मच सांभर मसाला लिया है। इसकी सारी इंग्रेडिएंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर लेना अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। तो 2 चम्मच सांभर मसाला ले लिया है। और ये मसाले मैंने घर में ही बनाया है, इसकी भी रेसिपी आपको दिखाऊंगी बनाकर। और सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें और पानी डाल लेंगे, जितना
जितना पानी आपको डालना है उतना ही पानी आपको डालना है जो सब्ज़ी हमारी पक जाए। तो उसके बाद इसे ढककर पका लेंगे। और उसके बाद दाल को देख लेते हैं। तो दाल को मैंने 2 सीटी लगने के बाद इसे बंद कर दिया था गैस को मैंने। तो दाल को एक बार चेक करते हैं। तो ये दाल पक चुका है। इसे चम्मच से ही हिला हिला कर हल्का सा मिला लेंगे, पूरा नहीं आपको मिक्स करना है, हल्का सा मिला लेना है। चम्मच से ही मैंने हल्का सा मिला लिया है इसे। और उसके बाद सब्ज़ी को चेक करते हैं। और थोड़ा सा सब्ज़ी पकेगी तो मैंने ढक दिया था, तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो सब्ज़ी पक गया है हमारा। अब इसमें हम दाल को डालेंगे। तो दाल को डालने से पहले इसमें हम इमली का जो पानी, इमली को मैंने भिगोने के लिए 2 से 3 घंटा तक भिगो लिया था और ऐसा ऐसा पानी निकल गया इमली का, तो मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद दाल को डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। तो ढककर 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं। तो 1 से 2 मिनट हो गया है हमारा। तो ये बनकर रेडी है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी सांभर बनी है और सब्जी भी दिख रही है खड़ी खड़ी। इसे हम एक बॉल में सर्व कर लेते हैं। और सर्व करने के बाद इसे आप इडली के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी सांभर की रेसिपी। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन साथ में दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। और साथ में लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों फैमिली के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।